जयपुर में दो दिन से चल रहे शहीद स्मारक पर सीएए और एनआरसी को लेकर अनिश्चितकाल धरने में हजारों की तादाद में महिलाएं पहुंची। गत रात ठंड में भी महिलाएं वहीं रुकी और सुबह 8 बजे से ही महिलाओं का आना शुरू हो गया। प्रोग्राम के कन्वीनर हाफिज मंसूर अली खान और मीडिया प्रभारी सैयद साहिब आलम सुल्तान और कई लोग भी रात को शहीद स्मारक पर रुके। अनिश्चितकाल धरने में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, सीएए और एनआरसी का विरोध करते नजर आए। डॉक्टर नीलोफर ने बताया, दिल्ली के शाहीन बाग में एक सिर्फ फ्रे ने जाकर फायरिंग की मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी अपनी हार मान रही है और वहां के लोगों को परेशान करने में तुली हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कोई डिटेशन कैंप नहीं है, कोई सीएए बिल को पारित नहीं किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कहते हैं कि हमने सीएए बिल लागू किया है और एनआरसी लेकर आए हैं। अगर प्रधानमंत्री यह कहते कि लागू नहीं हुआ है तो रिटर्न में लिखकर दे दे, वरना धरना पूरे देश भर में इसी अंदाज में जारी रहेगा। विमेन इंडिया मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहरून खान ने कहा कि सीएए को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है और केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सीएए और एनआरसी बिलों को लेकर आए हैं, जिसमें लोगों में डर पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, जब तक सीएए और एनआरसी वापस नहीं होता तब तक पूरे देश भर की महिलाएं सड़कों पर रहेंगी और उसका विरोध करती रहेंगी। देर रात तक बड़ी तादाद में वहां लोग पहुंचे। कड़ाके की ठंड में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उनकी है, वो ही मांगे हमारी हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि सीएए और एनपीआर आए, और ये हम चाहते हैं कि भारत में कहीं भी ना। बीजेपी वालों का कहना है कि सब शाहीन बाग वाले जो है इलेक्शन आ रहे हैं, इस वजह से वो धरने पर बैठे हैं। धरने पे तो वो काफ़ी टाइम पहले से बैठे हुए, 1.5 महीने से ऊपर हो गया है उन्हें धरने पे बैठे हुए। जब हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पहले उन्होंने हमें क्रोनोलॉजी समझाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री दूसरे दिन ही कहते हैं कि एनसीआर पे कोई बात ही नहीं हुई है, ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। जब ये कन्फ्यूज़न आया उसी के बाद तो धरने पर बैठे हैं लोग, और उसी के लिए हम बैठे हैं। अगर इतना कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन क्लियर किया जाए और हमें रिटर्न में दे दिया जाए कि ना तो एनसीआर पे कोई बात हुई है, ना सीएए आएगा, ना एनपीआर जो है वो आएगा। आपका नाम बताओ। डॉक्टर निलो, जांच करा के हमारा डीएनए मालूम करो, और अब कोई चुप नहीं बैठेगा। हमारी महिलाएं मैदान में आ चुकी हैं कि हिमगिरी से उठने वाली ललकार हैं हम, और हर खतरे के आगे अब तैयार हैं हम, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी काविशें कभी कामयाब नहीं होंगी। और ये इनका हाल वो होने वाला है कि ये बौखलाए हुए हैं, ये अड़े हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के सामने, ये हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान एक है, हम सब एक है, ये लहू का रंग एक है। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, अरे बने हो एक ही खाक से तो दूर क्या करीब क्या। जब एक हो तो क्यों न फिर दिलों के दर्द बांट लो, लबों की प्यास बांट लो, मुखों की दर्द बांट लो।